हदीसे मुरसला हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारी मस्तूरात की तरफ से एक वजीफ़े और एक मसले के ताल्लुक से ये दरख्वास्त आई है कि हमारे बच्चे बहुत रोते हैं, तो ऐसे में कोई वजीफ़ा कोई अमल बताएं कि जिससे बच्चों का रोना कम हो जाए, क्योंकि रात में सोना खाना दूसरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं कभी कभी बच्चों के ज़्यादा रोने की वजह से मुश्किल हो जाती हैं, तो ऐसे में ऐसा कौन सा वजीफ़ा कौन सा अमल करें कि जिससे बच्चों का रोना कम हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर वही एक अमल बताना मकसद है जो बहुत ही पावरफुल है। इंशाल्लाह ये अमल करके अगर बच्चे को दम कर देंगे, फूंक मार देंगे बच्चे के ऊपर, या तो पानी के ऊपर पढ़ करके दम करके बच्चे को पिलाएंगे, तो इंशाल्लाह बच्चे का रोना कम हो जाएगा या तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बंद हो जाएगा। वो अमल क्या है? करना ये है कि सबसे पहले एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाह पूरी, फिर बिस्मिल्लाह पूरी, फिर 11 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ला इलाहा इल्लल्लाह 11 मरतबा पढ़ना है। फिर एक मरतबा सूरह फातिहा, एक मरतबा सूरह इखलास और एक मरतबा आयतुल कुर्सी, और फिर अखीर में 11 मरतबा दरूद शरीफ और 11 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ना है। बस इतना ही करना है। जो चीज़ें जितनी मरतबा बताई गई इंशाल्लाह उतनी ही मरतबा पढ़ करके बच्चे के ऊपर अगर दम कर देंगे या पानी पर दम करके पिला देंगे तो इंशाल्लाह बच्चे का रोना बंद हो जाएगा। आप भी आज़माएँ, इंशाल्लाह आपकी मुश्किलें जो हैं आसान हो जाएंगी। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।